इस तरह से दोस्तों दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करना है। इसको आपको प्रेस करके कुछ देर रखना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों को एक साथ छोड़ देना है। इस तरह से की स्टेटस सक्सेस हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, ओप्पो का सेट है दोस्तों, इसमें पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न जो पता नहीं है दोस्तों, इसको पैटर्न को दोस्तों ट्रिक के साथ, जो न्यू अपडेट है ओप्पो में, इस ट्रिक के साथ दोस्तों इसको अनलॉक करके दिखाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप गलत पैटर्न कितनों बार ट्राई करेंगे दोस्तों, तो जब तक सही पैटर्न नहीं रहेगा आप यहाँ पर कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हार्ड रिसेट करना पड़ेगा, तो इसी हार्ड रिसेट को दोस्तों इस ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो मिले तो आपको यहाँ पर मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इमरजेंसी में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर डायलर पैड में जो आपको यहाँ पर डायल करना है *#998358#, उसके बाद दोस्तों 8639*#, ये आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। और इस कोड का आगे मैं प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह से आपका यहाँ पर पासवर्ड होता है। इस तरह से वो कॉलिंग बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर 3 बार आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस कोड को आपको इरेज कर देना है। उसके बाद कोड को इरेज करने के बाद आपको जो है आपको यहाँ पर कोड को इरेज कर देना है, और इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। और बैक यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको जो है पेटेंट को एक बार यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। पैटर्न को आपको यहाँ पर गलत पैटर्न को आपको एक बार ड्रॉ करना है दोस्तों। इस तरह से गलत पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे, फिर से इमरजेंसी में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद *#899#, ये कोड आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि उस कोड का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, इसका आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों सेल्फ टेस्ट जो है यहाँ पर आपको जाना है, और इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो तीनों है, तीनों आपका पास हो जाएगा। ये कोड का यही काम था, जो तीनों को पास कर दिया है इस कोड का, और दूसरा कोई काम नहीं था। कोड यहाँ पर 100% सबको पास कर दिया है दोस्तों। पास यहाँ पर होने के बाद अदर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाना है, रीड राइट में जाना है दोस्तों। इसको ओके को आपको यहाँ पर 3 बार आपको यहाँ पर ओके को कर देना है। इसको ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर GPS में जाना है। GPS में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से सर्चिंग का जो इन्फो है, सर्चिंग यहाँ पर इस तरह से, और आपको यहाँ पर ऊपर में लोकेशन का जो है वो लोकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसको कुछ देर छोड़ देना है, और यहाँ पर छोड़ने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इस तरह से आएगा नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक यहाँ पर आने के बाद फिर से अदर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है। अदर्स का ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर डाटाबेस को एक्टिवेट कर लेना है 3 बार टच करके। उसके बाद आपको जो है आपको रीड राइट और आपको यहाँ पर ABB जो है इसको आपको यहाँ पर दोनों को एक साथ आपको टच करना है, और यहाँ पर की स्टेटस जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आना है, उसके बाद रीड राइट और आपको जो है रीडिंग ऑल टेस्ट जो है इसको आपको दोनों को एक साथ प्रेस करना है। इसको प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आपका पहला में ओके आ जाएगा, और उसको जैसे ही ओके को प्रेस कीजिएगा आपको पास आ जाएगा दोनों को एक साथ यहाँ पर एक्टिवेट करने का यही तरीका। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 100% जो है पास और ओके दोनों आ चुका है, और हम लोग का यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों सिंपल तरीका से जो है आपको यहाँ पर बैक आने के बाद इमरजेंसी में जाना है, और आपको यहाँ पर नंबर डायलर पैड में जाना है, और आपको यहाँ पर *#813# इसको डायल कर लेना है, और इसको आपको 2 बार सिर्फ एक्टिवेट करना है। इसको 2 बार सिर्फ एक्टिवेट करना है दोस्तों, और इसको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखना है। पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके सिंपल तरीका से मोबाइल को यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, और इसके बाद जो है आपको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ओप्पो लिखा हुआ है वो आपका आ जाएगा, नीचे में रिकवरी मोड आ जाएगा। इसके बाद जो है कुछ देर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है अगला स्टेप के लिए। कुछ देर इंतज़ार करेंगे दोस्तों, अगला स्टेप जो आएगा उस स्टेप में कौन सा स्टेप को आपको यहाँ पर पहले करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ देर में आपका यहाँ पर जो है आपका ओप्पो और अगला जो स्टेप है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, इसके बाद आपको अगर फॉर्मेट डाटा में है फॉर्मेट डाटा में जाना है, और 4 डिजिट का जो कोड है दोस्तों ये आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया। तो आप सोचिए कि आपका यहाँ पर 100% जो ट्रिक है 100% वर्किंग हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्मेट का जो ऑप्शन है इसको आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करते के साथ ही आपको जो है यहाँ पर फिर से ओप्पो लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी रहे दोस्तों 100% अनलॉक हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों FRP आपको यहाँ पर बाईपास करने के लिए *#813# डायल करना है, जो आपको यहाँ पर 100%